वेलकम बैक नाजरीन जी। आशिक साहब जी, अफजल यूपी साहब, सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए चाइना, टर्की और मलेशिया का, जिन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से निकलते हुए बचाया और हमें 4 माह दिलवाए। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है FATF की, उस पर हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि हम वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। हमने काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग गवर्नमेंट जो करंट हमारी है उसको काफ़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग में कंट्रोलिंग कर ली है। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो रही है। जो जितनी भी हमारे यहाँ NGOs हैं, मदारिस है, उनकी रेगुलेटरी बॉडी बना दी है। जितने सख्त इकदाम हमारी हुकूमत ने किए हैं, शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन जी, वक्त ऐसा है तो गवर्नमेंट बोल्ड स्टेप ना लेती तो शायद हम ब्लैकलिस्ट में कब से जा चुके होते हैं। जी जी, तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है और जो हमारे हमसाय ममालिक ने हमारी सपोर्ट की है, तो इससे हमारा जो है वो अनकरीब ही कुछ नीज जो आप सुनेंगे कि पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट में आ जाएगा और इकॉनमी आस्ता आस्ता बेहतर होनी शुरू होगी और डॉक्यूमेंटेड भी हो रही है। लेकिन इसमें चूंकि हमें वक्त चाहिए और लोगों को डॉक्यूमेंटेड लाने के लिए एमनेस्टीज की होना बहुत ज़रूरी है। जी जी, ताकि हमारी 22 करोड़ आबादी में अभी भी 26 लाख फाइलर्स हैं। जब तक हमारा टैक्स नेट नहीं भरेगा, लोगों को एजुकेट हम नहीं करेंगे, कॉरपोरेट कल्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक लोगों का अंदर शोर पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो फंडिंग है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हमने कर लिया है और आइंदा भी आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर जो है अपना टारगेट अचीव करते रहेंगे। जिस तरह आप FATF की शरात को पूरा करने के लिए 10 लाख अब जो बैंक में जमा करवाएगा उसकी तफसीलात देगा, जी जी, जो उससे निकलवाएगा तो वो उसकी तफसीलात देगा, जो सफर इंटरनेशनल का सफर करेगा वो तफसीलात देगा, तो सारी तफसीलात FBR के पास डाटा जा रहा है। जब हम कोई फॉरन विजिट करते हैं या कोई मनी ट्रांजेक्शन होती है हमारी ऐसी, जी तो उसमें जो टैक्स डिडक्शन होता है या फॉरन ट्रांजेक्शन हम क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं, उसका तमाम रिकॉर्ड FBR के पास ऑलरेडी अवेल हो रहा है। कोरोना वायरस आया है, इससे आप क्या समझते हैं कोई हुकूमत के लिए किन चैलेंजेस का सामना होगा? लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक जो इंटरनेशनल वबा जो फैली हुई है, जी जी, हम तो दुआगो हैं कि ऐसा वक्त जिंदगी में दुनिया में कभी नहीं हुआ कि हरम काबा पे तवाफ है, मुताफ पे तवाफ रुक गया, मस्जिदें बंद हो गई, मज़ार बंद हो गए, स्कूल्स बंद हैं, कल से जो है 18 से लेके 5 अप्रैल तक कोर्स भी बंद हो गई हैं। तो इन हालात में ये एक वबा जो है एक आलमी वबा बन गया है, इसमें मईशत का जो पहिया है वो जाम हो गया है। कोई चीज़ आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई फॉरन ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इस हवाले से कोई किसी से मुसाफा नहीं कर सकता। तो इस हालात में मईशत जो है वो बहुत पीछे जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। हुकूमत जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, वो पूरे होंगे फिर? नहीं, इसमें हुकूमत के टारगेट्स ऑलरेडी पहले पर चैलेंजिंग टारगेट्स थे और मैं समझता हूँ इस मौके पर टारगेट अचीव करना तो काफ़ी मुश्किल हो गया है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमें रिलीफ देना चाहिए, बल्कि जो WHO है और जो आलमी इदारे हैं उनको चाहिए, इन गरीब ममालिक के जो कर्जे हैं उनको भी माफ़ करने चाहिए, उनको भी रिलीफ देना चाहिए इन हालात में जब मईशत नहीं चल पड़ेगी। जी जी, ये एक ऐसा एक नेचुरली एक वबा बन गई है जिसमें मुल्कों को, छोटे मुल्कों को सपोर्ट करनी चाहिए। इंटरनेशनली जो बड़े मुल्क हैं, अमेरिका है, चाइना है, इन तमाम मुल्कों को चाहिए छोटे कंट्रीज को लेके साथ चलें और इनके जो कर्जे हैं, इनके जो लाइबिलिटीज हैं, इनको जो एड्स देनी है वो दें। जी बिल्कुल आशिक साहब, मेरे साथ इस लाइन पर मौजूद हैं मलिक हारून अहमद साहब, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मलिक हारून साहब, वेलकम द शो। जनाब, FATF की शरात को पूरा करने के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है, लेकिन कोरोना वायरस भी सर उठा रहा है, आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में हुकूमती टारगेट्स किस तरह पूरे होंगे, मुआशी इस्तेकाम किस तरह आएगा? जी यूपी साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस अहम मौजू पर बात करने का। FATF के हवाले से, जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में हम पहुँच चुके थे और ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे, अगर ब्लैक लिस्ट में चले जाते तो हमारी सारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होती। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था कि FATF की जो शरायत हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर हैं, हमारे अपने लिए बेहतर है, उनको अडॉप्ट किया जाए और इस कंट्री को इस आने वाले क्राइसिस से बचाया जाए। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने उसके ऊपर बहुत सीरियसली काम किया और कर रही है। इसमें जो 2-3 बड़े एस्पेक्ट थे, वो सबसे पहला तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, और जो मनी चेंजर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई। जो पैसे हम एयरपोर्ट्स पे लोग लेके आते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई, चेकअप शुरू हो गया और लोगों को कहा गया कि वो डिक्लेरेशन फाइल करें। ज्वेलरी के लाने के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि वो भी एक हद से ज़्यादा ना लाई जाए। इसी तरह से हम बात करें काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग की, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान को, क्योंकि एक वक्त में यही समझा जा रहा था कि दुनिया भर में जो टेररिज्म है उसमें कहीं ना कहीं इसको इन्वॉल्व किया जा रहा था, तो ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान इससे अपने आप को डिसोसिएट करे।
उसके लिए पाकिस्तान में कि जो जहाँ से भी कोई रूट्स बन सकते थे जिसके अंदर ये बात कही जा सकती थी कि ये पैसे जो हैं उसका हर फोरम पे, चाहे वो ऑडिट्स थे, चाहे वो इंस्पेक्शंस थी, चाहे वो ऐसे लोग थे, इदारे थे जिनको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फंडिंग और उनके जो मूवमेंट ऑफ फंड्स हैं उनको स्टॉप किया गया और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की गई कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर की और हमारे जो वुमेन राइट्स हैं उनकी, उसके अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट कर रही है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि FATF में, अभी तो हम ऑब्जर्वेशन लिस्ट में हैं, कि बहुत जल्द हम इससे बाहर आ जाएंगे और पाकिस्तान जो है उसकी जो मुआशी इस वक्त जिन प्रॉब्लम्स का शिकार है उसमें बहुत ज़्यादा हम उससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन इस वक्त का चैलेंज जो नया अब आ गया है पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए वो है कोरोना। इस वक्त हमारा मसला क्या है, अगर हम देखते हैं तो एक तरफ दुनिया भर की स्टॉक चेंजेस जो हैं वो रोज़ाना नीचे की तरफ जा रही हैं, बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, एयरलाइंस जो हैं वो एक्सेप्ट वो भी कोलैप्स कर रही हैं। उस तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि हर कंट्री से ये खबर आ रही है कि वहाँ 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए वो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं बंद कर दी गई हैं, मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं। अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी जो है वो इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकती और इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगी, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बिज़नेस कंडीशंस जो हैं वो बहुत नीचे जाने की, अल्लाह ना करे ऐसा हो लेकिन जाने की नज़र आ रही है सिचुएशन। दो हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा है इसका हेल्थ सेक्टर के, हमारा अगर कोरोना वायरस फैलता है तो हमारे लोग उससे कैसे अफेक्ट होते हैं। तो एक तरफ तो उनकी हेल्थ का मसला है, हमारा हेल्थ सेक्टर उसको हैंडल करेगा। हम हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर अफ्रीका के अंदर 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है उसके अंदर ये स्प्रेड नहीं कर सका तो पाकिस्तान में भी ये, क्योंकि पाकिस्तान का वेदर जो है वो गर्म भी है होने जा रहा है, तो ये अप्रैल के अंदर बहुत सिचुएशन जो है कंट्रोल में आने की उम्मीद है इस गर्मी के बढ़ने के साथ। लेकिन दूसरी तरफ इदारे ये भी कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि गर्मी के बढ़ने के साथ ये वायरस जो है कंट्रोल हो सकता है। तो हमारी सबकी दुआ होनी चाहिए, अल्लाह ताला से इस्तगफार भी होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आए। तो एक तो हेल्थ साइड है कि ये मामला पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड ना करे, इससे होने वाली कैजुअलिटीज़ और जो डेथ्स हैं वो कम से कम हों। दूसरा एस्पेक्ट है इसका फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इसके शॉक्स जो हैं बहुत बड़े हैं क्योंकि यूरोप और पूरा जो है वो दे आर, क्योंकि ठंडे मुल्क हैं वहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जुलाई तक कंट्रोल में आएगा, जबकि यूरोप में ये कहा जा रहा है कि 1 साल भी हो सकता है। अगर ये इसी तरह से रहता है और दुनिया भर की इकोनॉमीज कोलैप्स करती हैं तो उसका डाउन जो डाउन टर्न हम देखते हैं तो वो सारा इफेक्ट पाकिस्तान पे आ सकता है। पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है बड़ी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। हमारे लिए एक अच्छी खबर, अच्छी बात यही है कि हम खुद गंदम काश करते हैं जो हमारी आवाम के लिए, हम खुद अजनास को काश करते हैं, तो खाने पीने की हद तक शायद हम चीज़ें चला लें लेकिन रोज़गार होगा तो कुछ चीज़ खरीदी जाएगी और आगे मामला चलेंगे। तो आने वाला वक्त जो है बहुत ही चैलेंजिंग है, आने वाला पीरियड जो है बहुत ही चैलेंजिंग है। ऐसे में स्टेट बैंक ने जो 0.75% अपना इंटरेस्ट रेट कम किया है वो बहुत कम है। दुनिया भर में आप अमेरिका में देखें उन्होंने इंटरेस्ट रेट 0 पे ले गए हैं, नियरिंग टू 0 ले गए हैं। यूरोप में अब नेगेटिव मार्केट का मार्कअप का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये जो चीज़ है दुनिया भर में इकोनॉमीज़ को सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में 0.75% की रिडक्शन इज़ वेरी वेरी लेस। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आगे लेके चलना है, जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको लेके चलना है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको फौरी तौर पे बहुत ड्रास्टिकली कम किया जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स के लिए या मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये फैसिलिटीज़ दी हैं लेकिन उनको चाहिए कि ये तमाम बिजनेसेस के लिए दें। आप सर्विस सेक्टर की प्रॉब्लम को समझें, सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और वहाँ पे आपको पता है क्या होगा कि वहाँ पे सैलरीज पे करनी है उन्होंने। क्या था कि जी वो सैलरीज के लिए उनके पास फंड्स होंगे तो वो अपनी सैलरीज को पे कर पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो यहाँ पे बगावतें होंगी, लोग रोड्स पे निकल आएंगे, स्टोर्स पे हमले करेंगे, हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट को जब तक इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी ये मामलात कंट्रोल नहीं हो सकते।
آنے والے وقت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے سب، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہر کمیونٹی کے لوگوں کو بھی آگے بڑھنا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو یہی میری اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایز اے قوم کھڑے ہونا چاہیے۔ جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں، جو رچ ہیں، وہ اس وقت میں جو غریب لوگ ہیں ان کا احساس کریں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں، گورنمنٹ کا ساتھ دیں۔ گورنمنٹ کے پاس ہیلتھ کے نہ تو وینٹیلیٹرز ہیں، نہ تو ان کے پاس ماسک ہیں، نہ ان کے پاس دوسری چیزیں خریدنے کے لیے، سینیٹائزر خریدنے کے لیے پیسے ہیں۔ تو جو مخیر حضرات ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، وہ چاہے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل بنائیں یا گورنمنٹ کے ہاسپٹل کو سپورٹ دیں، چیزیں پرووائڈ کریں، اس کرائسس سے باہر لے کے آئیں اس کنٹری کو۔ اس میں اگر پوری قوم کو کھڑے ہونا چاہیے۔ جی ملک صاحب بہت شکریہ۔ عمر صاحب، ملک صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، عاشق علی رانا صاحب کی گفتگو سنی، عبدالحفیظ صاحب ہمارے مشیر خزانہ کے صاحب کہتے ہیں کوئی آئی ایم ایف نے کوئی پیکج دیا ہے، وہ ریلیف دے رہا ہے، موجود حالات میں جس طرح حالات جا رہے ہیں کس طرح سروائیو ہوگا، حکومت کس طرح سروائیو کرے گی؟ دیکھیے نا یو بی صاحب، ابھی آپ کی ساری ایکٹیویٹی بزنس سٹینڈ سٹل پہ آ رہا ہے، یہ ارلی سٹیج ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو آپ نے چائنا میں دیکھا ہے 50 دن تک وہاں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، گوگل میپس کے اوپر پالوشن ختم ہو گئی تھی، جی جی کوئی شک نہیں، گاڑیاں فیکٹری ہر چیز بند ہے۔ ہمیں اس لحاظ سے فائدہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، جو ہمارے مذہب میں احکام ہیں اگر ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں تو بڑی حد تک ہم پروٹیکٹ ہیں۔ 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ ناک پانی گوگل کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، خود کو پاک صاف رکھ رہے ہیں، صحیح ٹائم پہ کھا رہے ہیں، صحیح ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، امیونٹی سسٹم صحیح ہے، تو بڑی حد تک آپ کی مدافعت ہو جاتی ہے، چمر کی ایکٹیویٹی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس معاملے لیکن دیکھیں نا، ایک فرق سمجھیے کہ ہم ایک آئسولیشن میں نہیں ہیں، اس وقت گلوبل اکانومی ہے، آپ نے دنیا کو چیزیں بیچنی ہے، دنیا سے خریدنی، جی جی کوئی شک نہیں، اور اس سے بھی بڑی چیز ہے خوف و ہراس کی فضا۔ جب ہم ادھر آئے تھے کوئی مصافحہ کرنے پہ تیار نہیں تھا، بہرحال یہاں پہ آف دا سین مصافحے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ جی جی ایک فیئر فیکٹر ہے۔ میں یہ کہوں گا ہمیں بالکل احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہمیں جو خوف و ہراس کی فضا ہے اس کو بھی کرٹیل کرنے کی عوام ضرورت کو حکومت ہے، کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی جی عوام جی کو دیکھیں، حکومت کے جتنے اقدامات ہیں اور جو انسٹرکشنز ہیں یہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہیں کہ ہم ان پہ کریں۔ زندگی موت صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس وقت جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومتی اقدامات کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ ان پریکاشنز پہ عمل کریں۔ میں اس کو کنکلیوڈ کرتا ہوں، آپ نے کہا جی معیشت کے حوالے سے، دیکھیں آئی ایم ایف کے جو ہمارے ٹارگیٹس تھے نا، اگر تو یہ پرولونگ ہوتا ہے تو آپ بھول جائیں، پریکٹیکلی وہ میٹ نہیں ہوں گے، امپاسبل اگر یہ چیز پرولونگ ہوتی ہے، یعنی کہ ریلیف بھی ان کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے۔ پھر دیکھیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے، ہم آئی ایم ایف کو دیکھتے ہیں اور اکثر آئی ایم ایف کی پالیسیز کافی ظالمانہ ہوتی ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام قانون ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں تاکہ لوگوں کا اس پہ اعتماد آئے، ادروائز یہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی آلریڈی کرٹیل ہو گئی ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان بھی ریلیز ہوا ہے، کل انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کو دیا تھا جس میں انہوں نے فارملی یہ اپیل کر دی ہے، جی جی، کہ جی صرف پاکستان نہیں جتنے ڈویلپنگ ممالک ہیں ان کے قرضے معاف کیے جائیں تاکہ اس وبا سے اور اس اکنامک کرائسس سے نکل سکے، ورنہ مجھے یہ خطرہ ہے ایوبی صاحب کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، انسانی جانوں سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، جی جی، لیکن اس میں شاید انسانی جانوں کا اتنا زیانہ ہو جتنا اکنامک اور فائنینشیل کرائسس اور لوگوں کی ایک معاشی تباہی کا یہ سبب ہے۔ عمر صاحب، جو غیر ملکی انویسٹر ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں، ایف اے ٹی ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے جو حکومت اقدامات کر رہی تھی، کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری اکانومی پر اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ جو پیسہ باہر سے نہیں آیا، لوگ گھبراتے تھے شرائط کو پوری کرنے کے لیے جو حکومت نے رکھی تھی۔ دیکھیے جی، ایف اے ٹی ایف کی شرائط سے کوئی یہ اثر نہیں پڑتا کہ ایک انویسٹر جو ہے وہ ادھر انویسٹ کرے نہ کرے، وہ ہمارے اکنامک کلائمیٹ، ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی شرائط کیا تھی؟ اپنے قانون کو اپ گریڈ کریں، اپنے پروسیکیوشن سسٹم کو اسٹرینتھن کریں، دکھائیں کہ عدالتوں میں جو کیس جا رہے ہیں وہ پینلائز ہو رہے ہیں، دکھائیں کہ جو آپ کے بینکس فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، دکھائیں کہ لوگ وہاں پہ ٹرینڈ ہے۔ اچھا ہم کچھ یہ باتیں کرتے ہیں اور جینون کرتے ہیں، میں نے خود کی ہے کہ اس میں جیو پالیٹکس ہے، لیکن کچھ چیزیں جینون ہیں، جی جی ہاں، ایک سائیکولوجیکل ڈر ضرور ہوتا ہے کہ ایک ملک اگر گرے لسٹ میں ہے تو انویسٹر تھوڑا اس لحاظ سے محتاط ہوتا ہے، جی جی، کہ اگر کل کو یہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تو مجھے اپنے پیسے واپس نکلوانا بڑا مسئلہ ہو جائے گا جو میں نے انویسٹ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو عام عوام جاننا چاہتے ہیں، گرے لسٹ میں چلا بھی جاتا ہے تو کیا نقصان ہوگا، بلیک لسٹ میں چلا جائے، جی جی کیا نقصان ملک پاکستان کا ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے۔
आप आइसोलेट हो जाएंगे, दुनिया की इकोनॉमी से कट जाएंगे, यानी दुनिया का कोई बैंक आप जो डॉलर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली हर बैंक है, या जिन बैंकों से वो डील कर रहे हैं वो आपसे डील नहीं करेगा। इसमें ना अभी ऑलरेडी आपको हमारे बिजनेसमैन बताएंगे कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट LCO का प्रोसेस कितना लंबा हो गया, टाइम इज मनी, आपका बिजनेस साइकिल टाइट हो गया, लेकिन अभी से प्रोसेस लंबा हुआ है, एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस है। ब्लैक लिस्ट में जब कोई मुल्क आ जाता है तो उसके साथ खत्म हो जाते हैं तजारती रवाबित, तो इस तरह खत्म ना जी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अयूबी साहब डील नहीं करता, डील नहीं करता। जो पैसा या आपके पास पैसा आना नहीं ना आप पैसा पे कर सकते हैं तो तजारत तो वैसे ही खत्म हो गई। जी जी बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, मेरा पूछने का मकसद ये था ताकि हमारे अवाम को ये भी पता चले जो मौजूदा हालात में हुकूमत इकदाम कर रही है उनके असरात कहाँ तक जा रहे हैं। अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं वेल एंड गुड, हमारे मुल्क का फ़ायदा है, अगर नहीं जाते तो इस हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, दुनिया से कट होना पड़ेगा। लेकिन इन हालात में जिस तरह हुकूमत कर रही है, जिनको नहीं समझ आवाम को या जो बिजनेसमैनों को नहीं पता इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन किस तरह करनी है, टैक्स के जरिए करनी है, किस तरह हुकूमत का साथ देना है, आप क्या समझते हैं ताजिब बरदरी इस हालात में क्या क्या करेगी हुकूमत के साथ? काशिफ साहब मैं ब्रेक से बाद आपसे जवाब देता हूँ, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।